याहोत आपको सर पे बैठाएगा, सर पे बैठाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। बस एक ताकत बनकर, एक मजबूत बनकर और एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों और धार्मिक विषयों को आगे लेकर सभी में संस्कार युक्त अपना समाज बने। बस ये आज जो व्हाट्सएपों के माध्यम से जो अड़चन चलता है, मैं साधु भगवंतों को भी निवेदन यही करूंगा कि अपने व्याख्यानों में ये कहे कि युवा पीढ़ी जो व्हाट्सएपों के माध्यम से थोड़ा रास्ता चूक रही है, वो नहीं चूके, इन्हें कम से कम बताए। और आज मैं आज इस मंच से सारे साधु भगवंतों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक आह्वान में राजस्थान का, चाहे किसी गांव में जैन समाज का बंधु चार परिवार भी रहते हैं, वो भी वहां सम्मेलन करें और गांव की सेवा करें। इसे साधु भगवंतों की बहुत बहुत बधाई, उनके चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, खूब खूब धन्यवाद माननीय श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित। इसी सम्मेलन, जैसे कहा कि काफी गांवों में सम्मेलन हुआ है और इन सभी प्रोग्रामों की आपकी पूरी मतलब जो भी है डिटेल्स हर एक एमएलए साहब, रनिंग एमएलए साहब और जो पहले एमएलए थे उनके पास है। इसी तरह हमारे कांग्रेस के नेता माननीय श्री सवाराम जी पटेल से मैं विनती करता हूं, पधारें श्री सवाराम जी पटेल। इस सम्मेलन में पधारे अपने जालौर जिले के कलेक्टर निशांत जैन साहब, एमएलए सगन सिंह जी राजपुरे साहब, पूर्व विधायक शंकर सिंह जी।